किसी तिब्बती घर की खास पहचान उसकी छत के ऊपर लगी हुई धार्मिक झंडियों से होती है, जिसे तिब्बती भाषा में लुंगदा और अंग्रेजी में हॉर्स फील कहते हैं। इन झंडियों के ऊपर धार्मिक मंत्र लिखे होते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब ये झंडियाँ लहराती हैं तो उसके ऊपर लिखे हुए मंत्र वातावरण को पवित्र कर देते हैं। बावन साल पहले तिब्बत से निष्कासन का दर्द आज भी इनके दिलों में जीवित है। ये लोग जब यहां आए तो अपने साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत भी ले आए। घरों को आज भी तिब्बत की पारंपरिक शैली में सजाया जाता है। घर के अंदर मंदिर या गुंपा के लिए विशेष स्थान होता है, जिसे धार्मिक पद्धति से सजाया जाता है। मंदिर में हर समय प्रकाश झिलमिल करता है। देवताओं के लिए छोटे छोटे पात्रों में जल भी रखा जाता है। मंदिर में परम पूज्य दलाई लामा की तस्वीर एक अनिवार्य अंग की तरह होती है। पहाड़ी जीवन शैली के आदि इन लोगों के रहन सहन में आज काफी बदलाव आ गया है। नई पीढ़ी के लोग धर्म को भी मानते हैं, लेकिन अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से पूरी तरह जुदा हो चुके हैं। इस समय जो मैंने पहन रखा है, ये तिब्बती पुरुषों का पारंपरिक परिधान है, जिसे छुबा बोलते हैं। हमारे साथ ताशी हैं। ताशी, आप हमें ये बताइए कि इस छुबा की क्या क्या खासियत है। इस छुबा की कई खासियत होता है कि छुबा जो है तिब्बत के वातावरण से बना हुआ था। तिब्बत में बहुत सर्दी होता है ताकि गर्म रख सके, ये छुबा जो है बहुत गर्म रखता है। बदलते समय के साथ इस छुबा में भी काफी कुछ परिवर्तन आ चुका है। इसका डिजाइन वही है, लेकिन इसका फैब्रिक बदल चुका है। तिब्बत की हाड़ गला देने वाली सर्दी के बीच ये छुबा बहुत काम की चीज है। लोग इसके अंदर अपना सामान तो रखते ही हैं, लेकिन साथ ही कई बार लोग अपने बच्चों को भी सर्दी से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। आज घरों में पारंपरिक साजो सामान के साथ साथ पारंपरिक पहनावे में भी बदलाव आ गया है। अब ये सिर्फ खास मौकों पर ही पहना जाता है। छुबा गुजरे जमाने की चीज बनती जा रही है। अब ये सिर्फ बुजुर्गों के इस्तेमाल की चीज बनकर रह गई है।